हेलो एवरीवन, स्वागत कर दो आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर का सिचुएशन, आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनका सिचुएशन क्या है और आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो गाइस, एक कलेक्टिव टाइम बेस्ड जर्नल रीडिंग है आप सभी के लिए है। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना भी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना आप लीजिएगा, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करिए, क्योंकि एक जर्नल रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या वो अभी आपको याद कर रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी, या जब भी आपको याद करते हैं क्या सोचते हैं आपके बारे में और उनका सिचुएशन क्या है। हम उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, क्या सोच रहे हो पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में, उनका सिचुएशन क्या है। जस्टिस, ओके। अगर आपके रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रखते थे, कभी आपकी लाइफ में आना कभी जाना, ऐसा इनका चलता रहता था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको क्लैरिटी मिलने वाला है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इनका वेट करना चाहिए या लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, आपको इनको चूज करना चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको क्लैरिटी मिलेगी बहुत ही जल्दी और ये क्लैरिटी ये पर्सन ही आपको देंगे, ठीक है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में इनकी तरफ से कुछ ऐसा होगा, या इनके एक्शन को देखकर, इनके बिहेवियर को देखकर, इनके एनर्जी को देखकर आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगी कि ये पर्सन आपके लिए सही है, क्या ये पर्सन आपके लिए रॉन्ग है या राइट है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा है, क्योंकि ये पर्सन कभी आपके लाइफ में आते थे, कभी आपसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे और कभी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा करना, ओके, आपके लाइफ से चले जाना, ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे और आपको भी कंफ्यूज में रखते थे। तो अब आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में ये पर्सन का प्यार आपके लिए क्या है, ठीक है। अगर ये पर्सन आपके लिए सही है, राइट है, फिर भी ठीक है, आपको पता चले कि वो भी बात, और अगर ये पर्सन ने आपको सही नहीं लगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आने वाले वक्त में इनके साइड से कुछ ऐसा होगा जिससे आपको समझ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ने ये हो सकता है कि कुछ लीगल केस चल रहा है आपके लाइफ में, तो अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और आपको क्लैरिटी मिलेगी, ओके गाइस। आपके लाइफ मुझे बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहा है, आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अगर चीज़ें आप दोनों के बीच बैलेंस में नहीं थी तो ये पर्सन खुद ही आकर बैलेंस में करेंगे, ओके। अगर ये आपके ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो आपको जाने तो नहीं देंगे और न ही ये पर्सन खुद आपके लाइफ से जाएंगे, क्योंकि मुझे ना आप दोनों के बीच जो सिचुएशन है, सिचुएशन तो थोड़ा सा क्रिटिकल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है। गाइस, ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो ये पर्सन थोड़े से एग्रेसिव है, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, आपको हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे दिखाई भी दे रहा है यार, ठीक है। जो आपके पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग स्वभाव के मुझे दिखाई दे रहे हैं, हमेशा आपको कंट्रोल में रखना ये चाहते हैं, ओके। आपका किसी और से बातचीत करना तक भी इस पर्सन को पसंद नहीं है, देख पा रही हूँ मैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में गाइस कोई नए पर्सन भी आपकी ओर एंट्री ले सकते हैं, जिसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाए, ठीक है। कोई आप में इंटरेस्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं और जब वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा या आप पर गुस्सा कर सकते हैं कि तुमने उसे बातचीत क्यों की, या कुछ ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, बट आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहे हो। आप हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में पीस नहीं है, हारमनी नहीं है, तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। आप बैलेंस में मुझे दिखाई दे रहे हो और एक बात मैं आपको बता दूं, आपकी पर्सन को ऐसे लगेगा कि वो इस रिलेशनशिप में रोल कर रहे हैं, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस रिश्ते को, बट कंट्रोल आपके हाथ में मुझे दिखाई दे रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा पीस के साथ
मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, फिश के साथ इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो, इस रिश्ते को हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और एक सही निर्णय लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो अपने लाइफ में आप। ओके, सो डोंट वरी, सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो या आप इनसिक्योर होते हो अपने लाइफ को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, थोड़े से डरे हुए हो, गाइस जो भी आपका नेगेटिव एनर्जी है ना, वो उसका एंड होगा। ओके, और आप एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और अपने लाइफ का लीडर बनते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने लाइफ का किंग एंड क्वीन बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ओके, और कोई गुरु या तो कोई सही पर्सन आपको कुछ लेसन सिखा सकते हैं, ठीक है, या आपका इंट्यूशन ही आपको बता देगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप टैरो रीडिंग भी ले सकते हो किसी रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से, कुछ कंसल्ट कर सकते हो उनको, सो आपको सही एडवाइस मिलेगी, ठीक है। और जो आपका इंट्यूशन कहेगा ना आने वाले वक्त पर, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको सही गाइडेंस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और कोई एरिस, लियो, सेजिटेरियस पर्सन या तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस आपके लाइफ में एंट्री ले सकते हैं, या तो इस टाइम के पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके लिए 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 24 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो आपका हो सकता है, या तो इनका, ओके, 23, 24, 25, 27, 33, 32, 31, 34, 37 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और देखते हैं, मुझे ना कुछ लोग लिए ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन ने आपको बहुत ही ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पेन दिया है या तो हर्ट पहुंचाया है, वही पर्सन आपके लाइफ में खुशियां भी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। या तो आप, अगर ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो आप बिल्कुल भी इनको अपनी लाइफ से निकाल दोगे, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन है जो कि आपकी ओर आ रहे हैं और ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचते हैं। गाइस, आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो आने वाले दिनों में। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो या तो स्टक हो इस रिश्ते पर या इस पर्सन पर, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो बट नहीं पढ़ पा रहे हो, और इस पर्सन ने हमेशा आपको कंट्रोल किया है या तो इस रिश्ते ने आपको राइट नाउ कंट्रोल करके रखा हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते हो, थोड़े से होपलेस, हेल्पलेस फील कर रहे हो, सो डोंट वरी, सब कुछ सही होगा आने वाले दिनों में। आपकी लाइफ में मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, आप मूव ऑन करोगे, और कोई पर्सन है जो कि आप में इंटरेस्टेड है, सो वो आपको फ्रेंडशिप को ऑफर कर सकते हैं, लव को ऑफर कर सकते हैं। और अगर आपका कैरियर सही नहीं चल रहा है तो वो भी सब कुछ सही होगा, ठीक है। आप कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो आने वाले दिनों में, और जो ये आपके पर्सन है ना, अगर ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं, चिड़चिड़े हैं, आप में आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोग हो सकते हैं कि ये पर्सन एज में आपसे छोटे हैं। तो जब आप मूव ऑन करोगे ना, जब आप खुश होगे अपने लाइफ में, हैप्पी रहोगे, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे कि ये इतना खुश क्यों है, क्या इसके लाइफ में कोई और है, कहीं इसका चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाएंगे। सो आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन होने वाला है, खुशियाँ आने वाला है, जो आप चाहोगे, ठीक है, जैसा आपने लाइफ चाहा है, जैसा लाइफ आपने मैनिफेस्ट किया है, आपकी लाइफ में वो सब होने वाला है। आपका कोई विश है जो कि पूरी होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, या तो कुछ लोगों के लिए 15 मंथ्स भी लग सकता है, ठीक है, नो, मुझे 15 मंथ्स नहीं लग रहा है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, ओके, या तो 11 या 15 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और जब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होंगी, सेलिब्रेशन होगा आपके लाइफ में, आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अपने लाइफ को, जैसा आपने लाइफ सोचा था
वैसे लाइफ आपकी होगी। सो गाइस देखते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम क्या होगा या आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ओके अगर आप इस वर्षन का वेट कर रहे हो तो देखते हैं इनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए अगर आप उनका वेट कर रहे हो तो। डेविल, ओके गाइस ये पर्सन आप पर डिपेंड है। ओके भले ही आपको ऐसे दिखाते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है ना, फिर भी ये पर्सन आप पर गिव अप कभी भी नहीं कर सकते ना, ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते नहीं, कभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आप पर डिपेंड है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का ऐसा कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, ऐसा एनर्जी मुझे देखने को मिल रहा है। सो आपका यूनियन हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं और सेक्सुअली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं आपसे। ओके इंटीमेट होना भी चाहते हैं आपसे। सो मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे लोगों के लिए। गाइस ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके यूनियन हो सकते हैं। ओके यूनियन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और कुछ लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो, प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो वो भी आपको मिलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। या तो कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी, जिनसे आपकी मैरिज होगी, और वो पर्सन की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा। ये पर्सन आपको बुके देंगे, फ्लावर देंगे, आपको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करेंगे, जिससे आपको फील होगा कि यस ये मेरा पास्ट लाइफ का प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको फील होगा और इनके साथ ही फील होता है। ठीक है, आपका इंट्यूशन कहता है, आपका दिल कहता है कि यही मेरा ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो आपका यूनियन हो सकता है। ठीक है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मुझे यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, आप दोनों मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, तो ये पर्सन आ रहे हैं आपसे मिलने को। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। पर्सनल रीडिंग बाय करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।